सड़क जर्जर होने के कारण बीमार आदिवासी महिला को चारपाई पर ले जाना पड़ा। आदिवासी बाहुल्य हृदयपुर गांव में सड़क की समस्या से ग्रामीणों परेशान। मामला जनपद पंचायत बक्सवाहा के हृदयपुर गांव का है, जो आदिवासी बाहुल्य ग्राम है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये गांव हीरा भंडारण क्षेत्र में आता है। गांव की जंगी बारेला उम्र 40 साल को अचानक सीने में दर्द होने लगा। पहुंच मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों ने चारपाई पर लिटाया और 1 किलोमीटर तक का सफर तय किया, जिसके बाद फिर वाहन से बक्सवाहा लेकर पहुंचे और प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद डॉक्टर शिवांश असाटी ने जिला अस्पताल रेफर करने को कहा, पर बदकिस्मती ने अभी भी साथ न छोड़ा और सिस्टम की मार झेल रही आदिवासी महिला को यहां भी एम्बुलेंस न मिली और वाहन करके जिला अस्पताल भेजना पड़ा। मैं आपका क्या हुआ? मेरा नाम राजेश बारेला है और हमारी भाभी बीमार हुई थी, तो बीमार होने के कारण रोड खराब होने के कारण वहाँ से खटिया पे लेकर आए, कम से कम 1 किलोमीटर। वहाँ से एम्बुलेंस को बुलाया तो एम्बुलेंस नहीं आई, उसके बाद अपनी गाड़ी करके बक्सवाहा लेकर आए। और यहाँ भी ऐसी समस्या मिली कि वो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाई, यहाँ से भी अपनी गाड़ी को ले जाना पड़ा। कहाँ रेफर किया गया? दमोह। तो यहाँ भी एम्बुलेंस नहीं मिली? नहीं मिली सर। और अटैक आया भाभी को, और ऐसी समस्या है कि वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है लेकिन गाड़ी नहीं है, तो अपना जैसे तैसे व्यवस्था करके रेफर किया गया। तो गांव से, आपके गांव से आने के लिए कोई सड़क नहीं है ऐसी? नहीं सर, वहाँ कोई सड़क नहीं है। सड़क तो इतना गंभीर है कि क्या बताएं। बहुत जानकारी आपने किसको दी? 108 पे कॉल किया था सर, लेकिन कैसा सर, क्या कहा उन्होंने? कहा कि अभी 2.5 घंटे में आ पाएंगे। 2.5 घंटे में जब तक, तो सर बहुत गलत हो जाएगा। वो एपिलेप्सी का पेशेंट था, झटके के साथ आया था, उसको स्टेबल करके गाड़ी में रेफर किया। 108 पे लगाया था, हम लोगों ने भी कांटेक्ट किया, उनकी फैमिली वालों ने भी कांटेक्ट किया, बट वो 108 यहाँ कोई आसपास वो अवेलेबल नहीं थी, तो वो प्राइवेट वाहन में दिखते हॉस्पिटल दमोह में रेफर कर दिया गया। सर क्या स्थिति थी? अभी वो स्टेबल थी।